साथ है। आज मौसम आपके खिलाफ नहीं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठ जाओ। आपके जोश जज्बे का तो मैं कायल हुई। कभी राजस्थान के साथियों ने मेरे मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। राजस्थान में मैं इस बात को जानता हूं, मैं इसको उतार के रख दो। मैं आपका आग्रह हूं, मेरी माए बहने, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग और मेरा जीवन भी आप सबके लिए, तो आज के इस सामाजिक न्याय महासम्मेलन में अपनी बात को रखने से पहले समय समय पर भारत के इस पावन भूमि पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव संत कबीर, गुरु घासीदास संत गाड़गे जी महाराज, नारायण गुरु, जिनकी आज जयंती भी है, और समय समय पे सामाजिक परिवर्तन के जो अग्रदूत पैदा हुए, जिन्होंने अपने जीवन का हर एक पल कमजोरों, शोषितों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं की तरक्की के लिए लगाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामा स्वामी नायकर, पेरियार लालू यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, भगवान बिरसा मुंडा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, करोड़ों शोषितों वंचितों को भारत में वास्तविक आजादी के करीब ले जाने वाले विश्वचंद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, और नमन करता हूं उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराबा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता देव वाल्मीकि, विजय सिंह पथिक जी, ऐसे सभी वीरों को नमन करता हूं। नमन करता हूं बाबू शिवराज चौरसिया जी को, नमन करता हूं मेरे गुरु मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम को, और नमन करता हूं राजस्थान के इस महान जनता को, मेरी माताओं बहनों को, प्यारी बच्चियों को, नौजवान भाइयों को, युवा साथियों को और बुजुर्गों को। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश और देश के सभी सम्मानित नेतागण, भाई संजय वाल्मीकि जी, भाई जितेंद्र अग्रवाल जी, भाई राम लखन मीणा जी, भाई नील धेनवाल जी, भाई अमरचंद हरसोलिया जी, भाई मोहनलाल बैरवा जी, भाई मुकेश बैरवा जी, भाई सुनील अस्तिया जी, भाई महक सिंह जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी,
रेवेन्यू को, प्रदेश रेवेन्यू को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं बहुजन मीडिया के साथियों को, अपने मीडिया के साथियों को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो खबर कोई नहीं दिखाएगा वो आपके जरिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा देश देखेगा। सम्मानित साथियों, पिछले 6 न्यायिक सम्मेलन हमने किए, राजस्थान के अलग अलग कोनों में, और 7वां सामाजिक न्याय सम्मेलन समापन हमें वो यहां करना है। ये प्रदेश की राजधानी है, उसके साथ साथ जो हमारी साइकिल यात्रा, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक रूप से साइकिल यात्रा जो चली हुई है वो भी आगे बढ़ेगी, और अलग अलग विधानसभाओं में हमारी सभाएं भी होंगी, और मेरा यह अटल विश्वास है कि इस बार राजस्थान की धरती ऐतिहासिक निर्णय लेगी और अमीरों को नकार के गरीबों के बच्चों को ताकत देने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है राजस्थान में। यहां की सरकार से भी मुझे बहुत कुछ कहना है, कहना इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रदेश की राजधानी में है। जैसी चमक सूर्य की मेरे चेहरे पर पड़ी है, ऐसी चमक आपकी जिंदगियों में आ जाए, यही पूरा आंदोलन है, यही पूरा संघर्ष है, यही लक्ष्य है, और ये चमक तब तक रहेगी जब तक आप लोग संघर्ष करो। जिस दिन आपने संघर्ष का रास्ता छोड़ के सुविधा का रास्ता इख्तियार कर लिया, ये चमक भी चली जाएगी मेरे साथियों, इस बात को आप लोग याद रखना। तो जैसा मैंने कहा कि यहां की सरकार से भी बात करनी है, लेकिन यहां की सरकार के साथ यहां अपने लोगों से भी बात करने की वो क्या चाहते हैं। अगर आप इन सरकारों से खुश हो, अगर आप इन सरकारों के कार्यकाल से खुश हो, तो फिर आपको आजाद समाज पार्टी को समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप ये मानते हो कि बार बार आपसे धोखा करके, आपसे झूठे वादे करके आपको ठगा गया है, तो फिर हमारे यहां एक कहावत है कि अजमाए हुए को अजमाया हुआ नहीं जाता। अगर आप मानते हैं कि यहां सभी सरकारों ने आपको बेबस, लाचार, गुलाम बनाने का काम किया है, तो मेरे साथियों से ऐतिहासिक निर्णय लो, क्योंकि भारत में आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुमत का शासन होना चाहिए, जिनका वोट होना चाहिए उनका राज होना चाहिए, लेकिन वोट यहां आपके पास है, राज आपके हिस्से में नहीं आया, आपके हिस्से में आया जुल्म, जाति, बेबसी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार और खिस्ती खाल, लुटती अस्मत, ये आपके हिस्से में आया। बेबसी, लाचारी और कई तरह की बेबसी, लाचारी, अभी यहां छात्र चुनाव होते थे, शासन चुनाव से हवा का पता लगता था। इस बार भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन मैदान में आई तो मुख्यमंत्री जी चुनाव से ही मुकर गए। वो कहते हैं चुनाव नहीं कराने, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे पहली पाठशाला है छात्र राजनीति, और छात्र राजनीति से जो निकल कर आता है वो सरकार के दमन के आगे झुकता नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा, जहां 1 करोड़ अमीरों की औलादें ऐसी के कर्तव्य में सीखती है, बड़े बड़े पद पर सीखती है, वहां गरीब किसान कमेरे नौजवानों की औलादें वो छात्र संघ के जरिए यूनिवर्सिटियों से नए नेतृत्व का निर्माण न, उसके छात्र चुनाव को टाल दिया जाए। याद रखना मुख्यमंत्री जी, आप भले ही सत्ता की ताकत से छात्र चुनाव को ना होने दो, लेकिन आप 2023 का चुनाव नहीं रोक सकते। 2023 का चुनाव होगा, ये युवा शक्ति राजस्थान की काया पलट के रख देगी, इस बात को आप याद रखना। आप नौजवानों की बात करते हो किस मुंह से, आपकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं, गरीबों के भविष्य के, नौजवान लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है, उनके हिस्से को डकार लिया जाता है। मैंने पहली बार सुना बस की बस में बैठ के
तोड़ दो। यह अहंकार किस लिए? इसी जनता ने आपको ताकत दे, लेकिन आज आप अहंकारी हो गए। अगर वो सरकार अहंकारी हो जाए तो जनता को निर्णय लेके सरकार को सबक सिखाना चाहिए, और उस आदमी को जो तानाशाही करे उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए कि उसका घमंड इतना बढ़ जाए कि वो अन्याचार की हद को पार कर जाए। इसलिए आज हम लोग सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, और कानून का राज कितना ही आपने देखा कि यहां एक कर्मचारी पहले रेल में एक महिला को, मुस्लिम महिला को छेड़छाड़ करता है, और फिर हमारे एक देशभक्त एएसआई की जो है टीका राम मीणा जी की, और उनके साथ अस्कर और तमाम लोगों की, जो असगर भाई के मैं घर भी जाऊंगा, वो यही जयपुर के उनके आंसू पूछने के लिए, लेकिन उनकी गोली मार के हत्या कर देती है। यह व्यवस्था जो यहां राजस्थान में है, और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है, शहीद का दर्जा देने के बजाय मुख्यमंत्री जी और उनके नेता बैठ के उस परिवार का मजाक उड़ाते हैं। ये भारत सरकार की सच्चाई है आपके सामने। एक मेरा याद है, आपने ऐसे इतनी बड़ी ताकत में एससी की महापंचायत की थी, आपको याद है या नहीं है बताओ, जिस दिन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एससी की महापंचायत की, वो सारे कर्मचारी, मैं जानता हूं कितना उत्पीड़न उन अधिकारी कर्मचारियों का सरकार के लोगों ने किया। सरकार को लगा कि ये कर्मचारी अपने हक आवाज के लिए समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उन कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहता कि जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने व्यक्ति को ताकतवर नहीं बनाओगे, किसी तरह के दमन का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास रखिए, अगर एक भी कर्मचारी का दमन होगा तो दमन करने वाला चाहे मुख्यमंत्री हो या उनका कोई मंत्री हो, उनका कोई अधिकारी, वो चैन से नहीं बैठेगा। कुछ में इस बात को आप लोग याद रखना। 2 अप्रैल 2018 के सारे मुकदमे वापस अभी नहीं हुए, नहीं हुए सारे मुकदमे वापस, और एससी आयोग बनाया, किसी पोस्ट ऑफिस से ज्यादा नहीं है वो, उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। उनके जो देश है उनको भी मैंने सुना, वो भी बेचारे कहते रहते हैं किसान ये परेशानी को सुनता नहीं, एक झुंझुना बना के रख दिया, उसको कोई ताकत पावर नहीं। झुंझुना इसलिए बना दिया कि हम सवाल ना करें, लेकिन सवाल तो करने पड़ेंगे। जनता ने आपको वोट देकर सरकार बनाया, और सरकार इसलिए बनाया कि 2 अप्रैल 2018 में स्पेशली एससी एसटी के लोगों ने जो आंदोलन किया, उनके झूठे मुकदमे लगे, उनकी खाल खींची गई, उन्होंने सोचा कि बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कांग्रेस को वोट दे देते हैं, उन्होंने आपकी सरकार बना दी, आपने उसके नाम पर 2019 में वोट लिया, और आज तक आपने मुकदमे वापस नहीं किए, ना ही आयोग को ताकतवर किया। यह बात इस बात को स्पष्ट करती है कि आप इन वर्गों के हितैषी हो ही नहीं। सामान्य साथियों, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, देश भर के जुल्म होते हैं एक तरफ, देश भर का अन्याचार एक तरफ, और राजस्थान का अन्याचार एक तरफ, और फिर आप अन्याचार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। आपको याद है जितेंद्र मेघवाल, कितने लोगों को याद है, हाथ पर हाथ खड़ा करता। आपको याद है इंद्र मेघवाल, आपको याद है कार्तिक भील, आपको याद है पूजा भील, आपको याद है अर्षद अली वाल्मीकि, आपको याद है ओम प्रकाश नायर, आपको याद है बहन तोला गुजर, आपको याद है भाई पुष्कर कसाना, आपको याद है थाना गाजी, आपको याद है चूरू, आपको याद है बगड़ी, और अभी पाली की जो वीडियो मैंने डाली कि किस तरह इस सरकार में, और मैं अशोक मेघवाल के परिवार के साथ जो है उसको भी नहीं भूल सकता। मैंने आपको हर नया पंचायत में याद दिलाया, जब भी आपने सामाजिक न्याय सम्मेलन किए मैंने आपको याद दिलाया कि चुन जाति के अन्याचार के जिम्मेदार हम लोग, और कैसे ये आपको जानना चाहिए। आज आप यहां हजारों हजारों की संख्या में आए,
देता हूं।